नेक्स्ट क्वेश्चन इज 147. ए इज 2 years ओल्डर देन बी, हु इज अ ट्वाइस एज ओल्ड एज सी. इफ द टोटल एजेस ऑफ ए बी सी बी 27, व्हाट इज द एज ऑफ बी. तो इसका करेक्ट आंसर है बी 10 years. विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर यूज एज ऑयल एक्सचेंज. द करेक्ट आंसर इज ए क्रॉस लिंक्ड पॉलिस्टीरिन. डी पी सी ओ इज इम्प्लीमेंटेड बाय. तो इस करेक्ट आंसर इज NPPA. कालमेक्स इज बिटर टेस्ट ड्यू टू एंड्रोग्राफ्लोइड. एंड्रोग्राफ्लोइड रिस्पॉन्सिबल फॉर बिटर टेस्ट ऑफ कालमेक. 151 सेपरेशन ऑफ आयन इन मास स्पेक्ट्रोमीटर टेक्स प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. तो इसका करेक्ट आंसर है मास टू चार्ज रेशियो. सी इज द करेक्ट आंसर. विच इंटरमीडिएट इज फॉर्म बाय हुल रिएक्शन. तो इस करेक्ट आंसर इज किटिन बी. 153 द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज इज. करेक्ट ऑप्शन इज ए. क्वेश्चन नंबर 154. फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड इज द सॉल्यूशन ऑफ परसेंटेज. SO3 इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4. द करेक्ट आंसर इज डी 7. विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन फेवर्ड बाय पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट. द करेक्ट आंसर इज बी SN2 रिएक्शन. रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ SOCl2 इज. करेक्ट आंसर इज डी 156. करेक्ट आंसर इज डी SNI. द एनर्जी एसोसिएटेड विथ इंफ्रारेड इज इनफ टू मेक. द करेक्ट आंसर इज वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल ट्रांजिशन. क्वेश्चन नंबर 158. विच मैसेंजर मॉलिक्यूल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम आर्कोडिनिक एसिड. द करेक्ट आंसर इज इकोसाइनेटिक इज डिराइव्ड फ्रॉम आर्कोडिनिक एसिड. 159. विच क्यूरिशियल फीचर ऑफ पेनिसिलिन इज इन्वॉल्व इन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. तो पेनिसिलिन में बीटा लैक्टम रिंग रहती है, तो इसके वजह से उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में बीटा लैक्टम रिंग बहुत यूजफुल रहती है. तो करेक्ट आंसर है बीटा लैक्टम रिंग. विच इज द फॉलोइंग इज लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन एनालॉग. द करेक्ट आंसर इज डी गालग्रीन. 161. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर. तो इसका करेक्ट आंसर है सी द ड्रग इज कंटेन परमिएबल पॉलिएस्टर बैग. 162. इफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इज इवन इफ द स्पिन द न्यूक्लियस विल बी विच ऑफ द फॉलोइंग. द करेक्ट आंसर इज सी 0 स्पिन. बैंक्रॉफ्ट रूल इज अप्लाइड विच फॉर्मुलेशन. ये बहुत इजी क्वेश्चन है. तो बैंक्रॉफ्ट रूल अप्लाइड होता है इमल्शन के लिए. इफ द जीटा पोटेंशियल ऑफ कोलाइडल डिस्पर्शन इज 0 to 5 mV दैट कोलाइडल शोज. द करेक्ट आंसर इज ए रैपिड कोआगुलेशन और फ्लॉकुलेशन. द करेक्ट आंसर इज ई. द टर्म एनोमर्स ऑफ ग्लूकोज रिफर्स टू. द करेक्ट आंसर इज आइसोमर ऑफ ग्लूकोज दैट डिफर इन कॉन्फिगरेशन ऑफ कार्बन 1 C1. द फर्स्ट AMR एक्सक्लूसिव मार्केटिंग राइट वॉज ग्रांटेड इन इंडिया दैट क्रिएटेड कॉन्ट्रोवर्सी वॉज टू. द करेक्ट आंसर इज सन फार्मा. डायबेंजाजिपिन रिंग प्रेजेंट इन. डायबेंजाजिपिन रिंग कौन से ड्रग में प्रेजेंट होती है. तो इसका करेक्ट आंसर है इमिप्रोपिन. क्वेश्चन नंबर 168. विच ऑफ द फॉलोइंग वीक एनेस्थेटिक एजेंट प्रोड्यूस एनेस्थेशिया बाय इटसेल्फ. द करेक्ट आंसर इज नाइट्रस ऑक्साइड. 169. ओसेल्टामावीर टैमीफ्लू एंड झेनेपिवीर इज स्ट्रक्चरल मिमिक्स ऑफ सायलिक एसिड. द करेक्ट आंसर इज ए. व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ फ्लो प्रॉपर्टीज. द इट इज ए इजी क्वेश्चन पूछा गया था. तो इसका क्वेश्चन है एंगल ऑफ रिपोज. विच ईस्टर हाइड्रोलिसिस मैकेनिज्म आर नॉट ऑब्जर्व. द 171. द करेक्ट ऑप्शन इज डी Al2 एंड BC1. इट इज एन एक्सलेंट ग्रीन सॉल्वेंट यूज ऑन ग्रीन हाउस इफेक्ट. बोथ इट इज ए इजी क्वेश्चन एंड करेक्ट आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड. ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सेरेब्रल मलेरिया. सेरेब्रल मलेरिया में ड्रग ऑफ चॉइस आर्टिमिसिन डेरिवेटिव एंड क्यूनिन यूज होता है. द करेक्ट आंसर इज आर्टिमिसिन डेरिवेटिव एंड क्यूनिन. मीनिंग ऑफ मिटिगेट इज डिमिनिश. द करेक्ट आंसर इज डिमिनिश.
175 मिथिल आइसोसाइनेट गैस इज ट्रेजेडी ऑकर्ड इन सॉरी मिथिल आइसोसाइनेट गैस ट्रेजेडी ऑकर्ड इन भोपाल। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। फाइंड द नंबर ऑफ उज स्क्वेयर रूट ट्वाइस ऑफ इट्स क्यूबिक रूट। द करेक्ट क्वेश्चन आंसर इज सी 64। 2H क्रोमेन 21 इज कुमेरिन। द करेक्ट आंसर इज 177 इज सी। गोल्डन राइस इज पॉर्टिफाइड बाय मीन्स जेनेटिक मॉडिफिकेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है 178 का बी विटामिन ए। अवार्ड बाय वेस्टवुड द हाइस्ट रिकग्निशन ऑफ मेडिकल पार्टिसिपेंट इन इंडिया। द करेक्ट आंसर इन इज राम बी सी रॉय। बी सी रॉय अवार्ड अवार्ड हाइस्ट रिकग्निशन ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर इन इंडिया। बी इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। 180 इज करेक्ट आंसर इज ग्लास ऑप्टिकल सिस्टम। ऑल ऑफ द कोएंजाइम लिस्टेड पार्टिसिपेंट इन इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट एक्सपेक्ट। द करेक्ट आंसर इज बायोटिन। ग्लोबल वार्मिंग इज ड्यू टू इंक्रीज ऑफ मिथेन एंड CO2। द करेक्ट आंसर इज मिथेन एंड CO2। द P53 प्रोटीन नॉर्मली प्रोमोट अपोप्टोसिस। द करेक्ट आंसर इज डी। गिवन बिलो ऑन वन आर वर्ड्स थ्री ऑफ इच कॉनके सेम मीनिंग एंड वन डज नॉट फाइंड इट। 184 दिस इज क्वेश्चन एंड आंसर इज कनोलंस। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज द सेम ऑफ मॉलिक्यूल ऑल गैसेज आर एट गिवन द टर्म गिवन टेम्परेचर। द करेक्ट आंसर इज काइनेटिक एनर्जी। गैमा ग्लूटामिल सिस्टीन गैलाइसिन अल्सो नोन एज ग्लूटाथाइन। ग्लूटाथाइन इज द करेक्ट आंसर ऑफ इज अल्सो नोन एज गैमा ग्लूटामिल सिस्टीन ग्लाइसिन। आइसोस्टेरिक रिप्लेसमेंट ऑफ सल्फर विच कार्बन ऑफ सेफालेक्सिन गिव। द करेक्ट आंसर इज लूरा कार्पेब। 188 विच रिलेटेड टू शेयर मार्केट। शेयर मार्केट से कौन सा ये रिलेटेड है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी NASDAQ। विच ऑफ द नॉर सॉफ्ट एम्बिएट आयोनाइजेशन टेक्निक। द करेक्ट आंसर इज 181 का इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन। अ पर्सन ट्रैवल्स फ्रॉम 6 किलोमीटर टू वेस्ट देन ट्रैवल्स 5 किलोमीटर टू नॉर्थ देन फाइनली ट्रैवल 6 किलोमीटर टू वेस्ट वेयर इज द ही विथ रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पोजिशन। तो इसका करेक्ट आंसर है सी 13 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम सेट इंडिकेट रिलेशन बिटवीन वुमन मदर एंड इट्स पेरेंट। द करेक्ट आंसर 191 इज ए। इंटरल्यूकिन्स आर मेनली सिंथिसाइज बाय। द करेक्ट आंसर इज लिम्फोसाइड। 193 NLORPS एंड ZX है। तो इसमें 193 में आता है करेक्ट आंसर इसका सी VTW। अ मेटाबॉलिक पाथवे दैट इन्वॉल्व बोथ एनर्जी प्रोडक्शन एंड बायोसिंथेसिस इज। इट इज द करेक्ट आंसर इज बी एम्फीबोलिक। तो करेक्ट आंसर इसका बी है। 195 इफ देयर लेस देन अ डिफरेंस द मिनिमम लीथल डोज मिनिमम इफेक्टिव डोज ब्लड द यूज ऑफ ड्रग रिक्वायर केयरफुल पेशेंट मॉनिटरिंग टू डोज एडजस्टमेंट। द करेक्ट आंसर इज टू फोल्ड। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स आर मोस्टली लाइक टू डिग्रेड एज अ रिजल्ट ऑफ सोलोलाइसिस। द करेक्ट आंसर इज ए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज 21 कार्बन। तो इसका करेक्ट आंसर है बी पिग्निनोलोन। 198 विच एंजाइम कन्वर्ट CMP टू AMP। तो इसका करेक्ट आंसर है सी फॉस्फोडाइस्टरेज। लिपोसोमल ड्रग डिलीवरी डेवलप्ड बाय फॉर विच एंटीफंगल ड्रग। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो एम्फोटेरिसिन बी के लिए ये लिपोसोमल ड्रग डिलीवरी सिस्टम हुई थी। टू इंश्योर लास्ट क्वेश्चन। टू इंश्योर अवेलेबिलिटी द मेडिसिन एंड अप्रोप्रिएट प्राइस DPCO वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1995। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो, कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट करो और कुछ और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।